सामने राम और लक्ष्मण साथ में देखे, इसलिए जोर से जय श्री राम। और अब की बार कितने 400 पार। पहली बार जो मन गदगद हो गया, अब तो चाहते हैं योगी मोदी जिंदाबाद, हमेशा 300 साल तक ऐसी रहे। मैं ये कहना चाहूंगा, मैंने मोदी जी को नहीं देखा, मैंने मोदी जी के रूप में साक्षात श्री राम जी को देखा है। बरेली के लिए जो ये नाथ नगरी है वो प्रचंड बहुमत से हम लोग अपनी आहुति दे करके उन लोगों को इस पावन यज्ञ में यहाँ से जिता के भेजेंगे और 400 पार का जो लक्ष्य है वो निश्चित ही पूरा होगा। हमने पहली बार देखा, आज बहुत खुशी हो रही है हमें, बहुत ऐसा लगा हमें तो वाकई भगवान ही रहा है। नमस्कार द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अपने दोस्तों की। हम लोग इस वक्त यूपी के जिला बरेली में शील चौराहे पर हैं। अब से चंद मिनट पहले यहाँ पर से जो है पीएम मोदी का काफिला गुजरा है। पीएम मोदी यहाँ पर रोड शो करने पहुँचे थे, उनके साथ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। वो जब भगवा कार में सवार होकर यहाँ से रोड शो करते हुए निकले तो मानो यहाँ पर एक उत्सव का मन चुका था। चारों तरफ से फूलों की वर्षा हो रही थी और मोदी मोदी के और योगी योगी के नारे गूंज रहे थे। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि अभी भी यहाँ पर जो है वो पूरा उत्सव का माहौल है। ढोलक की थाप पर जो है वो लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, मोदी जी आए हैं, योगी जी आए के नारे लग रहे हैं। साथ ही साथ जो है वो एक तरीके से उनका कहना है कि उन्होंने साक्षात साथ में राम लक्ष्मण को देख लिया है। अमन रस्तोगी, अभी अभी मोदी जी यहाँ रोड शो करके गए, क्या आपको लगा? ये हमें बहुत अच्छा लगा और हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं नरेंद्र मोदी जी कि मतलब देश के आम जनता से और दूर दराज के इलाका, एक तरीके से बहुत लोकल इलाका हुआ बरेली, तो हर प्रत्याशी के साथ में खड़े हैं और अपनी पार्टी के और अपने देश के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और देश के बहुत ज़रूरी मुद्दों पर हमेशा बहुत अच्छा काम किया और आगे भी करें, इसलिए हम हमेशा बीजेपी और मोदी जी के साथ हैं। दीक्षा प्रधान, अभी बिल्कुल देश प्रधानमंत्री गए, क्या कहना है आपका? मैं कुछ मतलब जाहिर नहीं कर पाऊंगी, इतना अच्छा लग रहा है देख करके, बस हल्की भी झलक देखिए तो इतना अच्छा लग रहा है कि कुछ बता ही नहीं सकते कि क्या बोले। आज हमने राम और लक्ष्मण साथ में साक्षात देख लिए, देखे सामने राम और लक्ष्मण साथ में देखे, इसलिए जोर से जय श्री राम। और अब की बार कितने 400 पार। जो अगेंस्ट पार्टी है वो कान खोल के सुन ले, अब की बार 400 पार। और अब की सरकार में, सरकार बनते ही एक महीने में इतने इतने कड़े फैसले लिए जाएंगे कि लोग देश याद रखेगा, बहुत बहुत बड़े फैसले 100 एक महीने के अंदर अंदर सरकार बनते ही। हमने, मेरा नाम अभी है, अभी मैं ये कहना चाहूंगा, मैंने मोदी जी को नहीं देखा, मैंने मोदी जी के रूप में साक्षात श्री राम जी को देखा है। सर ये जैसे आपने देखा योगी मोदी, ये राम जी और लक्ष्मण जी की जोड़ी है, ये 24 में तो आ ही रहा है, 29 में भी यही आएंगे। कैसा लगा अभी यहाँ? सर बहुत बढ़िया लगा, मेरा पहला अनुभव है, बहुत बढ़िया लगा मुझे। सर सर मैं बहेड़ी से आया हूँ, यस सर, रोड शो के लिए। जी सर, यस सर, केवल रोड शो के लिए आया था। थैंक यू। क्या नाम है मैं आपका? गीता सक्सेना। कहाँ से आई थी आप? मैं बरेली कलेक्ट्रेट में हूँ। कलेक्ट्रेट में जी। अभी मोदी जी और योगी जी यहाँ से क्या क्या करें आप? इतनी खुशी हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे भगवान राम और लक्ष्मण जी संग निकले हो, सतयुग यानी आ गया, कैसे द्वापर युग त्रेता युग का सीन लग गया। तो क्या क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या है? बहुत ही बढ़िया, 400 पार के 500 पार मान लो। हाँ, गुरु महाराज की दया से। सीमा कहाँ से आप आई? बरेली। क्या कहना है अभी, बिल्कुल मोदी जी और योगी जी साथ में रोड शो कर रहे हैं, शानदार 400 पार। भक्ति कहाँ से आप आई थी? मैं बरेली से ही हूँ। कहाँ, कितने मोहल्ले से? जनकपुरी हूँ। जनकपुरी से। आज पीएम मोदी और योगी जी रोड शो करके गए हैं, बिल्कुल सामने लोग जो है इस उत्सव के पूरी तरीके से गवाह हैं, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा कि मोदी जी हमारे शहर भी आए, बहुत टाइम बाद आए हैं और मंदिर के सामने हाथ भी जोड़े, उनकी श्रद्धा दिखी कि लोगों को लेके बहुत प्यार है उनके पास, और बहुत बहुत अच्छा लगा कि हम लोग यहाँ पर आए। दो हमने बहुत वेट करा, 2 घंटे वेट करा, पर वो झलक वर्थ इट थी, तो बहुत अच्छा लगा। किस तरीके से वेलकम किया आपने उनका, फूल बरसा के, किस तरीके से? हमने फूल जय श्री राम बोल के, सबसे बड़ी बात तो, और तालियां मार के और बहुत मोटोस जो चिल्लाते हैं वो चिल्ला कर, फूल तो लोग बरसा ही रहे थे। और क्या नाम है? मनकीरत। किस तरीके से पीएम मोदी को देख के आपको लग रहा है अभी रोड शो करके गए? बहुत अच्छा लगा, सरियल एक्सपीरियंस था काफ़ी ज़्यादा।
भी मैंने देखा कि आज लंबे समय से लोग 3-3 बजे से वेट कर रहे थे, उसके बाद वो 2 मिनट की झलकी थी, उसके लिए क्या कहना है? अब आखिर वो देश के प्रधानमंत्री हैं, इतना तो बनता है उनके लिए वेट करना, हमारा तो वेट करना वर्थ इट था, आखिर इतने इंपॉर्टेंट इंसान के लिए हम इतना तो वेट कर ही सकते हैं। साथ में योगी जी भी आए थे, अभी मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि मानो साथ साथ जो है वो राम जी लक्ष्मण जी के साथ साथ दर्शन होते हैं। अब हम तो मंदिर के सामने खड़े थे, उसके ऊपर तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ योगी जी और मोदी जी के आने की बहुत खुशी है। स्वाति गंगवार, मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। मेरा नाम किरण पटेल, जिला पंचायत साहब वार्ड नंबर 56 से। बहुत अच्छा लगा मोदी योगी जी को देख के, दोनों को एक साथ बहुत ही अच्छा लगा। मैंने तो पहली बार देखा था उन्हों को, दोनों लोगों को एक साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा, अब की बार 400 पार। मेरा नाम बिंदु सक्सेना है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान से। किस तरीके से आज आपने देखा कि राजेंद्र नगर में एक उत्सव का माहौल था, लोग फूल बरसा रहे थे पीएम मोदी के स्वागत में, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत ही अच्छा अनुभव लगा, ऐसा लगा कोई भव्य उत्सव मनाया जा रहा है राजेंद्र नगर में। और राजेंद्र नगर की पावर भूमि अगर न कही जाए तो वो 22 जनवरी वाला जो था वैसा ही एक माहौल यहाँ पे हुआ। और हम सभी ने आज मोदी और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी को बहुत पास से देखा, बहुत करीब से देखा, और ऐसा लगा कि जो है साक्षात जो है एक दिव्य आत्मा उनके साथ में चल रही है, क्योंकि जो एक दिव्य प्रकाश होता है वो उन दोनों के चेहरे पर साफ साफ झलक रहा था। और बरेली वासी बहुत ही खुश हैं अपने इस तरह के सुदृढ़ नेता को पाके, जो सभी के लिए हैं, सभी के साथ हैं, क्योंकि उनके दिल दिमाग में किसी के लिए नहीं है कि ये अपना है ये पराया है, वो सभी को साथ लेके चल रहे हैं। तो हम लोग यही चाहेंगे कि हम अपने मताधिकार, क्योंकि अभी 7 मई को हमारा जो है वोट भी होने वाला है और उस दिन सार्वजनिक अवकाश भी किया गया है, तो कोई भी ऐसा हमारा मतदान ना छूटे जो हमारे एक वोट से हमारी सशक्त सरकार बनते बनते रह जाए। तो मेरी संस्था की तरफ से अपील है कि अपने मताधिकारों का प्रयोग करें, सिर्फ राशन लेने के लिए ना करें, वो ऐसी सख्त सरकार बनाने के लिए करें ताकि हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को अखंड बनाने में उसमें मदद मिल सके। हाँ, मेरा नाम नरेंद्र पाल है, मैं राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। और आज योगी जी आए हमारे यहाँ और प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी आए, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। हम तो सब यही चाहेंगे और सबसे ये अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करके हमारी फिर से सरकार मोदी जी की बने, जिससे हमारा देश भी सुरक्षित रहे और हमारे नीचे पड़ के जितने भी लोग हैं वो जिनको राशन मिल रहा है और सारी सुविधाएँ मिल रही हैं वो सारी सुविधाएँ ऐसे ही मिलती रहें। जगमोहन साहनी, अभी यहाँ से बिल्कुल मोदी जी और योगी जी गए हैं रोड शो करके, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, पहली बार ऐसा है कि बरेली के अंदर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री विजिट की है, तो बरेली के अंदर ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं आया है और इस समय जो है पूरा सपोर्ट है उनके लिए और उन्हें 400 पार करके जिताना ही है। आप क्योंकि खुद भी इस जो यहाँ पर उत्सव मनाया गया राजेंद्र नगर में एक तरीके से उत्सव मनाया गया, उसके जो है साक्षी बने, क्या कहना चाहेंगे उस उत्सव को लेकर? बहुत बढ़िया माहौल था और पब्लिक भी बहुत खुश थी। क्या नाम है आपको? मेरा नाम कमल गंगवार है और मैं बहेड़ी का निवासी हूं। बिल्कुल अभी जस्ट कुछ मिनट पहले यहां से निकल के गए। हमारी बरेली राममय हो गई आदरणीय मोदी जी के आने से, पूरा हम लोग बड़ा सौभाग्यशाली हैं जो उनके दर्शन हुए और पक्का बरेली से सर्वाधिक मतों से आदरणीय गुरुजी श्री छत्रपाल गंगवार जी जीतेंगे और खूब अच्छे से उन्हें तो जे लगा आज बाकी में कि एक भगवान गुजर गए रास्ते से, भगवान निकल गए रास्ते से आज, भगवान निकल जी बिल्कुल भगवान लगा। कहाँ से आ पाए थे? बरेली से, संजय नगर जी। हमने पहली बार देखा आज, बहुत खुशी हो रही है हमें, बहुत ऐसा लगा हमें तो वाकई भगवान ही नजर आए। मेरा नाम अक्षय मंगलम है, मैं भेड़ी से हूँ। आज माननीय आदरणीय हमारे आदरणीय जो मोदी जी जब आ रहे थे, जैसे हम लोग को पता है कि ये नाथ नगरी है और जब बज रहा था कि जटाटवी गलत जल प्रवाह पावी तस्तले गले विलम विलम्बे तम भुजंग तुंग मालिका डमट डमट डमन निनाद वट डमर वयम चकार चंड तान डम तनो तुना शिवा शिवम, ऐसा जब धुनी बज रही थी तो हम लोगों को लग रहा था जैसे साक्षात प्रभु के दर्शन हमारे सामने हो रहे थे और जो उनके चेहरे पे तेज था वो अलौकिक था। हम लोगों ने सब ने ऐसा तेज आज तक कभी नहीं देखा और
कभी पास से उनको देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और बरेली के लिए जो ये नाथ नगरी है वो प्रचंड बहुमत से हम लोग अपनी आहुति दे करके उन लोगों को इस पावन यज्ञ में यहाँ से जिता के भेजेंगे और 400 पार का जो लक्ष्य है वो निश्चित ही पूरा होगा। ऐसा भव्य शो देखा है ये पहली बार, जो मन गदगद हो गया। हम तो चाहते हैं योगी मोदी जिंदाबाद और हमेशा 30 साल तक ऐसी रहे। मोदी जी को आपने आज पहली बार साक्षात देखा, कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है रामचंद्र जी दर्शन हो गए हो। कहीं में रामचंद्र जी भगवान धरती पर उतरे हुए हैं इस समय, राम और लक्ष्मण दोनों। मोदी जी चूंकि आए हैं चुनाव में, एक अपील जी। विशाल राठौर। कहाँ से? यहीं बरेली। यही मठ लक्ष्मीपुर बरेली से भास्कर हॉस्पिटल के सामने। अभी मोदी जी को देखा है? जी बिल्कुल, बहुत ऐसा लग रहा है एक दोबारा उत्सव मनाने को मिला हम लोगों को। और बरेली नाथ नगरी एक रूप में ऐसी सजाई उन्होंने, मतलब इतना कार्य कराया है आज के बाद ऐसा देखने को कभी मिला ही नहीं।